सियालों में कदम जागरूक खैर सिंह वेद। आज मैं मौजूद हूँ भाई कदम के सेटअप पर, और आज आप लोगों को भाई थोड़ी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाएंगे, क्योंकि इसके पास जो है भाई कॉकटेल वगैरह भी है, लव बर्ड भी है, और कुछ जो है भाई होगो वगैरह के पीएस भी है। तो आप आज जो आप लोगों को ब्रीड वगैरह दिखाने की, ऐसी ब्रीड आ रही है कि सीजन स्टार्ट हो गया है, तो काफी पीएस की जो है ब्रीड आना शुरू हो गई है। तो चलते हैं मुनीब के पास, देखते हैं इसने क्या क्या वैरायटी रखी हुई है, बर्ड्स वगैरह का साइज वगैरह कैसा है। और ये कि मैं आज काफी टाइम बाद समझ लें तकरीबन 1-1.5 साल बाद जो है आज आया हूँ। अब देखते हैं कितने पीएस मौजूद है और ब्रीड वगैरह कैसे आ रही है। वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं भाई, देखते हैं मुनीब आज हमें क्या क्या दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, क्या हाल है? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र उसामा भाई, खैरियत तो से आप? भाई ये कॉकटेल क्यों बिठाया हुआ, क्या पट्टा है ये, क्या है? हाँ पट्टा नहीं है, थोड़ा बड़ा हो गया है, तकरीबन 3-4 महीने का है, लेकिन इसको मैंने टेम करा, शौक था हाँ टेम करने का, तो इसे टेम किया है मैंने। जबरदस्त, घर का निकला हुआ ये? घर का निकला हुआ है, आपको और भी पट्टे दिखाऊंगा सारे। सही है, चलो अंदर चलते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या मौजूद है। ठीक है आ जाओ अंदर। इसमें क्या क्या है? अच्छा ये जितने भी आप पीस ले रहे हैं ये सारे मेरे घर के निकले हुए। इसमें जो है ब्लू वाला जो नजर आ रहा है वो ब्लू और वॉयलेट में से निकला हुआ पेयर है, ठीक है, और मेल फीमेल भी कंफर्म है इसमें 100%। ठीक है, फर्स्ट ब्रीड में इंशाल्लाह ये करेगा, अभी थोड़ी जगह। अच्छा फर्स्ट ब्रीड, अभी को ब्रीड ठीक नहीं दिया, हाँ इस वजह से। सही, अभी कॉलोनी में, ये कॉलोनी में। और ये पसनाटा वगैरह, पसनाटा भी मेरे घर के निकले हुए, और ये 100% ब्रीड है, मतलब एक पीस का रेड आई था, एक पीस जो पेरेंट्स में एक रेड आई था, एक ब्लैक आई था, उसके पट्टे निकले हुए माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज वगैरह में, और नेल तेल वगैरह हर चीज ओके करके दूंगा इंशाल्लाह मैं, और बेहतरीन पेयर है ये। तो पसनाटा का पेयर नजर आ रहा है वो 100% स्प्लिट में, एक जो इनके पेरेंट्स में रेड आई था, एक ब्लैक आई था, और बेहतरीन साइज में, कलर भी बेहतरीन है डार्क कलर में, और नेल टेल वगैरह भी हर चीज में ओके है। ये पेयर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और बिल्कुल सब स्प्लिट करेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, और इसकी भी तकरीबन 8-9 महीने एज हो गई होगी तकरीबन। सही, इंशाल्लाह जैसे ही केज हमारा नया आएगा उस वक्त मैं इनको अलग कर दूंगा, और उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिलीज कर दे, क्योंकि अभी सीजन भी चल रहा है, तो कोशिश करूंगा भाई जल्द से जल्द केज आ जाए, फिर इनको मैं अलग कर दूंगा। इसमें 3 पेयर रखे हुए मैंने TCB किंग साइज के, और मास्क, और इसमें एक फीमेल जो एक मेल जो है क्लियर विंग्स में होगा, ये जो आपको ब्लू वाला नजर आ रहा है, बाकी सारे TCB है, और माशाल्लाह साइज वगैरह में भी ओके है, फ्लाइंग वगैरह हर चीज में ओके है, और अभी इनकी मैं मटकियां लगाई है, उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी जल्द से जल्द। अच्छा अभी भी पे लगा देंगे, हाँ इंशाल्लाह, और 1-2 दिन ही हुए मटकी लगाए हुए, और मटकी में ये घुस भी रहे, अंदर जा रहे हैं, नेस्टिंग वेस्टिंग वगैरह ओके कर लिया इन्होंने। तो ये खरीदे हुए पियर है सारे? जी जी ये खरीदे हुए 3 पेयर मैंने खरीदे हुए के रखे हुए, और ये जम्बो साइज में है, और ये जो आपको मैंने कॉकटेल दिखाया ये वाला दिखा रहे, ये जो होता है ये नॉर्मल साइज में होता है। तीनों कॉकटेल जो है वो जंबो साइज में, जिस तरह आपने 3 कॉकटेल देखे होंगे वो जंबो साइज में होता है। बड़े साइज में भी आते हैं, छोटे भी आते हैं? छोटे भी आते हैं, ये बड़े साइज में, और रेड आई है, और 100% ओके है, नेल टेल हर चीज में ओके है। ठीक है, क्या उम्र है इनकी? इनकी तकरीबन हो गई होगी उम्र अभी तकरीबन 9-10 महीने हो गए, और अभी मैंने जो है मटकियां लगाई है, अच्छा इनकी ब्रीड मतलब आने वाली है इंशाल्लाह, ब्रीड आने वाली। तो कलर देख सकते हैं भाई, बिल्कुल पेपर व्हाइट कलर है, दोनों रेड आईज वाले पियर है, दोनों रेड आई, और मेल फीमेल भी कंफर्म होगा इसमें, मेल फीमेल कंफर्म करके दूंगा आपको, और माशाल्लाह बेहतरीन पेयर है, साफ सुथरे पेयर है। अच्छा इसमें एक ब्लू पसनाटा की फीमेल है, और येलो पसनाटा जो है लोडिनो पसनाटा मतलब वो मेल है, और अभी फर्स्ट टाइम इन्होंने अंडे दिया, अब उम्मीद है इंशाल्लाह फर्टाइल निकलेंगे। अच्छा इन्होंने फर्स्ट क्लच में तकरीबन 5 अंडे निकाले हुए, उम्मीद है तकरीबन इंशाल्लाह 2-3 बच्चे भी निकल आए, एवरेज में 3-4 निकल आए, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और बेहतरीन पैर है ये भी हर चीज में ओके। लोडिनो पसनाटा है ये? लोडिनो ही है, लोडिनो पसनाटा है वो, और ब्लू पसनाटा, और ब्लू पसनाटा है। ठीक है, पहली ब्रीड करी है? फर्स्ट ब्रीड किया इन्होंने, ये जो पीस आपको नजर आ रहे हैं ये घर के ही निकले हुए, और इनसे ही मेरा ब्रीड करवाई। अच्छा होम ब्रीड है, मतलब होम ब्रीड है, हाँ दूसरा साल हो गया इनको, दूसरा साल है तकरीबन। कॉमन फिशर का पैर है मेरे पास, एक पीस बाहर है, एक पीस अंदर मटकी में होगा, उसने अंडे दिए हुए। अच्छा। और उसका भी फर्स्ट क्लच इन्होंने दिया हुआ है, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पेयर है, नेल टेल हर चीज में ओके है, और साइज भी माशाल्लाह इसका आम तोता से थोड़ा बड़ा है ये, और अच्छा पेयर है ये। ये जो है मेरा फेवरेट पेयर है यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट लिया था अच्छा। इस पूरे सेटअप का इसी पेयर से लिया था, और उस वक्त मुझे बस छोटे मोटे सेटअप का ही शौक था, मैंने कहा यार छोटा मोटा सेटअप लगाऊंगा मतलब 1-2 पेयर पर, लेकिन जब इसने फर्स्ट ब्रीड की और फर्स्ट ब्रीड में 4 बच्चे निकाल के वहां से मेरा शौक उभरा, और अब तक तकरीबन 3 साल हो गए इस पेयर को रखे हुए,
और ब्रीफ पे आते हुए इनको तकरीबन 2 साल हो गए, और 2 साल में तकरीबन इसने 30 से ज्यादा बच्चे दिए हुए इस पेयर ने। हाँ जी, 30 से ज्यादा पेयर बच्चे निकाले हुए इस पेयर ने, और हर क्लच में तकरीबन 4 बच्चे तो आते ही है। अगर 4 कभी नहीं आते हाँ तो 3 तो आते ही है जरूर, और कभी कभी अगर अच्छी ब्रीड कर देता है, अच्छे मूड में होता है तो 4 बच्चे निकालता है, वरना कम से कम 3 ही निकालता है। ये जितने भी पीस दिखाऊंगा वो सारे इन्हीं के बच्चे होंगे, और अभी फिलहाल मेरे पास 7 बच्चे रखे हुए हैं, और उससे पहले तकरीबन मैं 15 से 20 बच्चे मैं सेल कर चुका हूँ, और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल ये पेयर है, और माशाल्लाह यहीं से मेरा शौक जो है यहाँ से चढ़ा था। बहुत ज़बरदस्त पेयर है माशाल्लाह, और मेरा फेवरेट तरीन पेयर है इस पूरे सेटअप में। और ये वाला जो पेयर है ये इन्हीं के पट्टे हैं, लेकिन ये जो मेल आपको नज़र आ रहा होगा ये मैंने एक्सचेंज में लिया था किसी से, ताकि एक ही पेरेंट्स के होते हैं तो ब्रीड नहीं कर पाते, इस वजह से एक ये जो मेल है ये मैंने एक्सचेंज में लिया था किसी से। अच्छा, तो 2 बच्चे तो यहाँ पर हो गए, और 5-6 बच्चे दूसरे केज में रखे गए होंगे, और इंशाल्लाह ये भी इनकी भी अभी मक्की लगाई है, उम्मीद है जल्द 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 ये भी ब्रीड पर आ जाएंगे। अच्छा, ये लोटिनो सादे जो लोटिनो होता है ये वही लोटिनो है, और मेल फीमेल इसमें कन्फर्म नहीं हुआ अभी, और तकरीबन 8 महीने इसकी जो है 8 महीने उम्र होगी, और अच्छा पेयर है, इसमें भी नेल टेल हर चीज में ओके होगा। इसको अभी ब्रीड पे नहीं लगा, इसको ब्रीड पे नहीं लगाया अभी, इंशाल्लाह जैसी केस का बंदोबस्त होगा इसको भी ब्रीड पे लगा दूंगा मैं। ये होगोरोमो डबल फ्लावर में, और जो सर पर इनके क्रिस्प भी है, और बहुत जबरदस्त पेयर है ये भी माशाल्लाह, और कलर में भी बहुत अच्छा है, साइज में भी बहुत अच्छा है डबल फ्लावर में। और मैंने अपने जो 2-4 दोस्तों को जो बर्ड्स के शौक रखते हैं उनको जब मैंने ये पेयर दिखाया तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ये किंग साइज में, मतलब इतना अच्छा है इसकी साइज थी कि वो उनके मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि भाई ये किंग साइज है या टी सी भी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर है, और रेयर कलर है माशाल्लाह, ब्लू वाला जो है आमतौर पे आपको नहीं मिल पाता, और जबरदस्त फ्लावर में क्रिस वगैरह भी हर चीज में ओके है, नेल टेल वगैरह हर चीज में ओके है, बहुत जबरदस्त पेयर है ये। लोटिनो पसनाटा है, और एक ब्लैक मार्केट ऑरेंज चेस में, और भाई माशाल्लाह इन्होंने, मैंने भी अभी अंडे देखे हैं माशाल्लाह, फर्स्ट ब्रीड कर लिए इन्होंने, अब देखते हैं उम्मीद है कौन अब देखते हैं भाई कौन से बच्चे निकलेंगे, उम्मीद है बच्चे निकल आए। फर्स्ट क्लच में अक्सर ये होता है बच्चे कम निकलते हैं या नहीं निकलते, तो उम्मीद है भाई इंशाल्लाह बच्चे निकल आएंगे, और अभी एक ही अंडा दिया हुआ है मेरे ख्याल में इन्होंने, और आज ही हाँ एक है ना, आज ही इन्होंने अंडा दिया है, कल मैंने देखा था भाई इन्होंने सिर्फ नर्सिंग की थी और आज एक अंडा दे दिया। हाँ जी जी, इसमें 5 बच्चे नजर आ रहे होंगे आपको कॉकटेल के, और ये वही पीछे जो आपको पेयर दिखाया था उन्हीं के बच्चे हैं, और माशाल्लाह ये भी हर चीज में ओके है, नेल टेल हर चीज में ओके होंगे, और इनका जो ताज होता है वो भी अच्छे साइज में होता है, मतलब अक्सर हम ये देखते हैं भाई ताज जो है टूटा हुआ होता है या तो बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा होता है, इनके ताज का भी माशाल्लाह साइज बड़ा है, और 5 पीस ओके है, और इसमें तकरीबन 2 से 3 पीस जो है मेल फीमेल कंफर्म होगा, 1-2 पीस मेरे ख्याल में कंफर्म ना हो, और जो अभी हैंड टेम पीस जो था वो पीछे जो रखा हुआ है वहां पर वो उसका भी अभी कंफर्म नहीं है, वो तकरीबन 3 से 4 महीने का होगा। अच्छा, इनको लेने में कोई इंटरेस्टेड हो तो एंड में मैं आपको जो है नंबर बता दूंगा और लोकेशन भी बता दूंगा, आप व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह ये डव का पेयर है, और ये डव का पेयर भाई मैंने आपसे ही लिए थे, तकरीबन वही है जो मैंने मैं आपसे लेकर गया था, आपसे मैंने लिए थे 5 पेयर लिए थे, और इत्तेफाक से आप पट्टे लिए थे, और इत्तेफाक से ये हुआ कि मेल फीमेल 5 मेल निकले 5 फीमेल निकली, और एक जो है इन्होंने फर्स्ट क्लच निकाला है उसमें एक ही बच्चा निकला है माशाल्लाह, और बाकी जो आप पेयर दिखा रहे हैं दूसरे ये बाकी पेयर है, इस पेयर ने अंडे दिए हुए अभी, ठीक है जो हम करीब आए हुए इस वजह से अंडों पे नहीं बैठ पाए, और ये भी अभी मैटिंग पर थे, इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी जल्द से जल्द, मतलब सारे तैयार हो गए, सारे तैयार है, ये 4 पेयर यहाँ रखे हुए, 1 पेयर मैंने अलग से रखा हुआ है, और ये भाई उसामा भाई से लिए थे, उम्मीद है इंशाल्लाह रेड डब भी मैं आपसे लूंगा बहुत जल्द। अच्छा, मैं अपना नंबर दे देता हूँ, मेरा नंबर है 03131239003, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, और बाकी आप जो भी मुझसे पेयर लेंगे इंशाल्लाह मार्केट रेट से इंशाल्लाह आपको कम ही मिलेंगे, और यहाँ पर जो भी पेयर होगा माशाल्लाह हर चीज में ओके होगा, नेल टेल हर चीज ओके करके मैं दूंगा, तकरीबन जितने भी पेयर है तकरीबन नेयर टू ब्रीड है, या तो फिर उन्होंने अंडे दे दिए या अंडे देने वाले होंगे। चलो ठीक है मुनीत, थैंक यू।